डीजीपी शत्रुजीत कपूर आमजन की शिकायतों सुनने उतरे फील्ड में। सोनीपत कानून व्यवस्था को लेकर ली अधिकारियों की बैठक, क्राइम कंट्रोल पर की चर्चा। बोले आमजन की शिकायतों का जल्द किया जाएगा समाधान। पुलिस वर्ग के फीडबैक के लिए की जाएगी कमेटी गठित, जनता से लिया जाएगा फीडबैक। कितने प्रतिशत संतुष्ट, कितने संतुष्ट नहीं, फीडबैक पर कमेटी करेगी कार्य। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि पुलिस का पहला काम शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखना, नशे के खिलाफ चलाई जाएगी विशेष मुहिम, अवैध हथियार सप्लाई करने वालों के खिलाफ ग्राम पहरी से की जाएगी मीटिंग, नशा करने वालों की लिस्ट बना एडिक्ट सेंटर से कराया जाएगा इलाज। बोले साइबर क्राइम की जानकारी सबसे पहले टोल फ्री नंबर 1930 पर दें, समय रहते जानकारी मिली तो बैंकों से रुकवा दी जाएगी पेमेंट। साइबर सेल में बढ़ाई जाएगी मैन पावर, ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में विशेष अभियान चला, जल्द ही सोनीपत को बनाएंगे रोल मॉडल। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट, स्कूल कॉलेजों के बाहर रहेगी पुलिस तैनात। सोनीपत से अर्थ प्रकाश के लिए आदेश त्यागी की रिपोर्ट। आज सोनीपत में मुझे आने का मौका मिला और सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और ये हमने कुछ प्राथमिकताएं अपनी उन पे निर्णय किए हैं। सबसे पहले तो जो शिकायतों का निवारण, जो जनता की शिकायतें आती हैं उनका निवारण एक समयबद्ध तरीके से और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, और ऐसे सभी शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लेने का एक सिस्टम हमने बनाया है। उनका कितने प्रतिशत हमारे शिकायतकर्ता संतुष्ट हैं, कितने नहीं हैं, और अगर नहीं है तो किस वजह से नहीं है, तो उसका जितने सीनियर अधिकारी हैं हर रोज़ उसका एक हिसाब लेकर के उसका हर स्तर पर इफ़ेक्टिव कार्रवाई करेंगे ताकि वो संतुष्टि का स्तर बेहतर किया जा सके। इसी तरीके से हमारी महिलाओं की सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा है, उस पर जितने भी हॉटस्पॉट्स हैं, कोई आवारागर्दी होती है या छेड़छाड़ की घटनाएँ घटती हैं, उन पे हॉटस्पॉट्स को सिक्योर करना एक बड़ा काम है। इसी प्रकार से जो हमारे ऑटो हैं, जीप हैं, देहात में चलती हैं, शहरों में भी चलते हैं, तो इनको वहाँ पे चलते हुए महिलाओं को असुरक्षा की भावना ना आए उस पर काम करना, और जहाँ जहाँ महिलाओं का कॉलेजों के सामने वर्क प्लेस हैं उनके सामने जहाँ जहाँ उनका ज़्यादा जमावड़ा होता है तो ऐसे स्थानों को सिक्योर करना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसी प्रकार हमारा क्राइम कंट्रोल और हमारा साइबर क्राइम की समस्या है, और जो लॉ एंड ऑर्डर में भी कंपनियां बना करके उनकी अच्छी आरएएफ के स्तर की ट्रेनिंग करा के इक्विपमेंट दे करके बेहतर हमारी जो प्रणाली है उसको और बेहतर किया जा सके और उसमें इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस आए आगे के लिए, तो उस पर हमने आज काम किया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इन सभी एरियाज़ में। इसी प्रकार से ड्रग्स का एक बड़ा मुद्दा है, ड्रग्स को इस ज़िले को हम ड्रग फ्री कर पाएँ, और यहाँ पे जो हमारे कुछ किसी वजह से भी जो एडिक्शन हो गई, जिनको नशे की गिरफ्त में आ गए लोग, उनको डी एडिक्ट करवाया जा सके, इस दिशा में काम करने का प्रयास हम करेंगे। आज मुझे सोनीपत आने का मौका मिला और आज सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। मीटिंग करके हमने कुछ निर्णय लिए हैं और उनमें हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता वो रहेगी क्राइम पे प्रभावी कंट्रोल, क्रिमिनल्स की समस्या, साइबर क्राइम्स की समस्या, और एक अच्छी उसमें सुनवाई हो सभी की। पुलिस में जो भी सेवाएं हमारी हैं उन सेवाओं को लेने के लिए जो नागरिक हमारे पास आते हैं तो उनकी प्रभावी सुनवाई हो, और उस पर एक फीडबैक का सिस्टम शुरू किया गया है और उनका संतुष्टि का स्तर वो पता किया जाएगा। अब बैठिए सभी, एक इफ़ेक्टिव एक्शन लेने के लिए जो 1930 की हेल्पलाइन है, हमारी एक हेल्पलाइन है, मैं चाहूँगा कि आप उसका प्रचार करें। किसी के नागरिक के साथ अगर कोई भी क्राइम हो जाता है, साइबर क्राइम, तो 1930 इस नंबर पे फ़ोन करके उन्होंने बताना है। ये नंबर हमारे 112 का जो डायल 112 का सिस्टम है वहाँ पे ये लगा हुआ है, वहाँ पे 45 लोग बैठते हैं और वो सारी ऐसी शिकायतें, करीब 1000 के करीब हरियाणा में शिकायतें आती हैं रोज़, उनको बाकायदा कंप्यूटर में सिस्टम के अंदर दर्ज करते हैं और सभी बैंकों के साथ टाई अप है, और उसकी अगर हमें वो शिकायत एक समय सीमा के अंदर, गोल्डन आवर जिसको कहते हैं, उसमें अगर आ जाती है तो हम उसकी पेमेंट रुकवाने में सक्षम हैं। पेमेंट को रुकवा दिया जाता है और वो जो चीटिंग जो की है इन्होंने, क्रिमिनल्स ने, वो बच जाता है। और इसलिए मैं चाहूँगा आपके माध्यम से सभी से अपील करना कि जैसे ही साइबर क्राइम हो तो
थाने चौकी में जाने की बजाय अपना समय और कहीं खराब करने की बजाय जो तुरंत उसको 1930 पे फ़ोन करके ये सूचना देनी है और वो जो ट्रांजैक्शन आईडी बैंक की डिटेल्स वो उनके साथ साझा करनी है। और इस पे हमारी जो व्यवस्था है इसको और मजबूत बनाने के लिए हम उसको मैन पावर भी बढ़ा रहे हैं, वहाँ पे रिसोर्सेज भी बढ़ा रहे हैं। सर एक दिन का सबको रेस्ट मिले हफ्ते में, ये हमारा नियम है और आज मैंने सभी अधिकारियों को ये कहा है कि इसको सुनिश्चित करें। में भी न केवल एक दिन का ये छुट्टी की बात है बल्कि हमारी जो पुलिस बल है उसमें भी अगर किसी वजह से कोई नशे की गिरफ्त में आ गया तो ऐसे जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनके परिवार के लोग हैं उनकी हमने सूची बनाई है और उनको हमने अग्रोहा मेडिकल कॉलेज, हमारे जो PGA रोहतक और भी जो बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं मौलाना में है, फरीदाबाद में बड़े वो अस्पताल हैं अमृता में ही और दूसरे, उनके साथ हम टाई अप करके इनको डी एडिक्शन का काम हमने शुरू किया है। प्लेटफॉर्म है इसमें जो cybercrime.gov.in एक हमारी I4C का एक सिस्टम है केंद्र सरकार का, उसी पैटर्न पे हम S4C भी बना रहे हैं, स्टेट कोऑर्डिनेशन जो ब्यूरो हमारा बनेगा, स्टेट कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर साइबर क्राइम्स S4C, वो हम उसको स्थापना कर रहे हैं। केंद्र में I4C पहले से कार्यरत है और 1930 की प्रणाली हमारी चल रही है। हम ग्राम प्रहरी के जरिए भी और अपने बाकी सोर्सेज लगा के इनके बारे में पूरी इनकी कुंडली बना करके इस पे एक्शन करने का आज हमारे सभी अधिकारियों ने भी एक सोनीपत को एक रोल मॉडल बनाने का फैसला किया है। और मुझे उम्मीद है कि CP साहब, DCP साहिबान यहाँ पे और SHOs और सारे हमारे जो और अन्य जो इंचार्ज चौकी और क्राइम यूनिट्स हैं वो इकट्ठे एक प्लान बना करके क्राइम के विरुद्ध गाँव के स्तर पर जो खास तौर पे क्राइम प्रोन विलेजेस हैं और जो ऐसे इलाके हैं शहरी इलाके जहाँ से क्राइम पनपता है उन पे एक विशेष ध्यान दे करके योजनाबद्ध तरीके से उसका एक इलाज, प्रभावी इलाज उसका करेंगे और वो रोल जो मॉडल बनेगा उसको हम बाकी स्टेट में भी लागू करेंगे ऐसा हमने फैसला किया। सभी की लंबी एक्सपीरियंस है सर, प्रोफेशनलिज्म बाकी बहुत जगह वो अनावश्यक बातें बहुत हो जाती हैं, वॉकिंग क्वेश्चंस माइनर बातें जो मेन मुद्दे हैं उस पर नहीं है, कम है, लेकिन हाँ परिवार के सदस्य हैं वो आंकड़े देना ठीक नहीं है परिवार के सदस्यों के बारे में, पर हाँ हम उनको नशे की गिरफ्त से निकालें और इसी प्रकार से उनके जो और व्यक्तिगत समस्याएँ होती हैं उनका निराकरण समयबद्ध तरीके से हो, ये काम हमने शुरू किया। जो नशे की गिरफ्त में जो लोग आ गए हैं और नशा बेचने वाले लोग हैं ये हमारी आपको पता होगा ग्राम प्रहरी की एक स्कीम जो जनवरी में हरियाणा पुलिस ने शुरू की, तो आज उनके साथ अभी इसके बाद मेरी मीटिंग है, जितने भी ग्राम प्रहरी हैं उनको इकट्ठा करके उनको सबसे पहली टास्क जो हम दे रहे हैं वो नशा बेचने वाले लोगों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने की का काम उनको दिया जा रहा है। इसी तरीके से जो नशे की गिरफ्त में आ गए लोग उनकी भी सूची बनाएंगे हम हर गांव में, हर वार्ड में, पूरे ज़िले में, और उनको जो लोग पहले से ही इलाज करा रहे हैं वो और जो नहीं करा रहे हैं उनको भी डी एडिक्शन सेंटरों तक लेके जाना, उनके परिवारों को सपोर्ट करना और डी एडिक्ट करा के उनको समाज में वापस लेके आना, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी हमारी ग्राम प्रहरी स्कीम के तहत रहेंगी और ग्राम प्रहरी काम करेंगे इसमें और उनके पीछे सारा महकमा, हमारे SHOs, हमारे इंचार्ज चौकी वो काम करें। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।